हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे। और मैं हूँ पूनम, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है दिन बुधवार है, तो अभी जो है शाम के 5 बज रहे हैं, 5:15 हो चुके हैं। तो मैं जा रही थी रात का डिनर बनाने, तो सोचा आप लोगों से थोड़ा बातें कर लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ डिनर पे। तो मैं बता देती हूँ कि मैं रोटियाँ बनाऊँगी और मछली की सब्जी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मछली आज मैंने बाहर से नहीं मंगवाया है, मछली हमारे घर के तालाब का है। क्योंकि बाहर से मैं कोई भी सामान अभी नहीं मंगवा रही हूँ, क्योंकि आप सब भी देख ही रहे हैं बाहर क्या माहौल है, सब लोग कितने डरे हुए हैं। तो हमें भी सावधानी जो है रखनी चाहिए, कोई घर से बाहर नहीं जा रहा है और बाहर का कोई सामान भी हम घर नहीं ला रहे हैं, जैसे कि राशन वगैरह ही लाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं लाते हैं अभी। तो आप सब भी जो है अपना अपना ख्याल रखिए और सब लोग जितना हो सके घर में ही रहिए और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले आइए। और वैसे ही हम लोग का तालाब की मछली है, तो हमने सोचा कि चलो फिर इसे भी शेयर कर लेते हैं। वैसे मैंने तालाब का रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लड़के होते हैं, तो मैं वहाँ नहीं गई थी। तो घर लाएँ तो उसके बाद से ही मैंने रिकॉर्ड किया है, और तो उसी की मैं आज सब्जी बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ डिनर पे मैं क्या क्या बना रही हूँ। ये देखिए मछली, एक ही पीस जो है हमने घर पे रखा है, क्योंकि बड़ी है तो एक ही से जो है सबका हो जाएगा। और मुझे ये सब छीलना वगैरह नहीं आता है, तो वो सब जो है रेडी करके मुझे देते हैं बनाने के लिए। घर में जो कोई भी रहता है वही सफाई कर देता है मछली की। और मैंने ये सब कभी किया नहीं है, तो मुझे नहीं आता है और मुझे बहुत डर भी लगता है। पता नहीं ऐसे ही पकड़ते हैं, छूते भी हैं तो बहुत डर लगता है, कहीं हाथ से फिसल गया तो काट दिया तो। इसीलिए ये देखिए, इसको अच्छे से अंदर से साफ़ कर लेंगे। इसका जो अंदर से जो निकलता है मैच, उसको भी भून कर खाते हैं। और उसमें कुछ जो होता है कि उसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, उसको निकाल के फेंक देते हैं, उसको नहीं रखते हैं। ये देखिए साफ हो गया है। अभी हम उसमें हल्दी मिला लेते हैं। इसमें हल्दी मिला करके जो भूनते हैं ना, तो ये टूटने का डर कम हो जाता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जो है टूट जाता है, भुनने के टाइम पर टूटता है, हल्दी मिलाने से नहीं टूटेंगे। अभी हम इसमें तेल डाल दिए हैं और ऐसे करके जो है हम एक एक करके मछली को डाल देंगे। कढ़ाई मेरी बहुत ही छोटी है, मैंने जानबूझकर छोटा वाला ही लिया है, क्योंकि सब्जी बनाने के लिए दूसरी कढ़ाई चाहिए। तो इसमें सिर्फ मैं भून लेती हूँ। और देखिए इस तरीके से हमें भूनना है मछली को। देखिए कितना सुंदर जो है भून गया है, भून के रेडी हो गया है। इसको अभी हम एक बर्तन पे निकाल लेते हैं। ये देखिए एक भी नहीं टूटे ना, हल्दी डालने से नहीं टूटते हैं, नहीं तो ये पूरा का पूरा जो है टूट जाता। और इसी तरह हम दूसरे को भी डाल देंगे। उसी तेल में जो है मेरा सारा मछली भून के रेडी हो जाएगा। मैंने छोटी कढ़ाई इसी लिए ली थी ताकि तेल में जो है हो जाए,
क्योंकि बाद में मछली फ्राई किया हुआ तेल जो है हमें फेंकना पड़ता है, उसका दूसरा सब्जी में यूज नहीं होता है। तो इस देखिए कितना सुंदर मेरा मछली फ्राई हो गया है, एकदम गोल्डन कलर का दिख रहा है और कुरकुरा जैसा हो गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है और फिर से हम गैस को ऑन करके उस पे मैं तेल डाल दिए हैं और फिर उसमें हमने प्याज डाल दिया है, उसको थोड़ा सा चला लेंगे। ये देखिए प्याज मेरी भून चुकी है, अभी जो है हम उस पे टमाटर डाल देते हैं और टमाटर को थोड़ी देर भूनेंगे और थोड़ा सा जब ये भूनकर गलना स्टार्ट हो जाए तब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से ये पूरी तरह गल के मिक्स हो जाता है। ये देखिए धीरे धीरे ये अच्छे से गलने लगा है। अभी हमने इसमें मसालों का जो पेस्ट जो हमने तैयार किया है उसको डाल देते हैं। वैसे हम पेस्ट ही यूज करते हैं, ये तो हम हर वीडियो पर बताते ही हैं। तो पेस्ट में मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च और जीरा और काली मिर्च था और इसमें मैंने हल्दी भी डाल दिया है। ये देखिए मेरा जो पेस्ट है एकदम रेडी हो गया है। ये मसाला हमने रेडी कर लिया है, अभी हम इस पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं, जितना हमें ज़रूरत है उतना हम पानी डालेंगे। ये देखिए ज़्यादा पानी हमने नहीं डाला है क्योंकि हमें थोड़ा सब्जी डिनर पे उतना भी जो है हमें नहीं चाहिए होता है इसका ग्रेवी। तो इस तरीके से हम सारे मछली को उसमें डाल देंगे, लेकिन मछली एकदम सूखी सूखी भी अच्छी नहीं लगती है। मसाला मछली जो है, ये देखिए हमने इस तरीके से सारे मछली को डुबो दिया है उसके ग्रेवी में और इस तरीके से उबलने के लिए छोड़ देंगे ताकि उसमें सारा जो मसाला है वो मछली में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अभी मैंने उसमें धनिया के पत्ते डाल दिए हैं और मेरा सब्जी बनके रेडी हो गया है।